तो फ्रेंड्स आप लोग देखते रहिए कितना अच्छा जगह है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर गिर गया था। हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू यूट्यूब चैनल। आज मैं जाने वाला हूँ दीपू सिंह नेशनल पार्क, और वहाँ पे एशिया का सबसे बड़े बड़े पेड़ों के लिस्ट में आने वाला एक पेड़ वहाँ पर भी है, और उसका नाम है बनियंती, और हम लोग उसको आसामीज भाषा में केक जो भी बोलता हूँ, और उसको ही देखने के लिए जा रहा हूँ। तो आप लोगों को भी दिखाने वाला हूँ कितना सुंदर और कितना बड़ा पेड़ है, तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बच्चे लोगों का लाइफ भी कितना मुश्किल है, देखो इतना दूर दूर तक चल कर आने के बाद बूथ से नदी को पार करके स्कूल जाता है रोज। तो गाइस, अब हम लोगों को नदी के उस पर जाना पड़ेगा, तो देखते रहिए वीडियो को। तो गैस, अब हम लोग एड़ासती गांव पहुंच गया हूं। तो देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर गांव है ये। यहां पर खेत कर रहा है, बैंगन का खेत है वहां पर। ये भी बैंगन का खेत ही है, और गांव का नज़ारा भी थोड़ा दिखाता हूं आप लोगों को कैसा है। अब हम लोग जा रहे हैं एरासती गांव पार करके, मेरा साथ है भाई, कुछ तो बोलो ये दिवस के बारे में और हम कहाँ जा रहे हैं ये ठीक से समझा के बोलो। हाँ, हम लोग अभी दिवस नेशनल पार्क के अंदर है, और अभी हम लोग ये वर्ल्ड का जितना भी बड़ा बड़ा पेड़ का स्पेसिस है ना, उन लोगों में से एक स्पेसिस हमारा यहाँ दिवस में मिलता है, और हम लोग अभी इधर ही जा रहे हैं। तो आप लोग भी देखते रहिए वीडियो को एंड तक, जितना हो सकेगा अच्छी से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग देखते रहिए, आप लोगों को भी दिखाता हूँ कितना सुंदर सुंदर जगह है अंदर। तो मेरा साथ है दो दोस्त है, और आगे भी दो है, तो कुछ बोलो। तो हम लोग अभी बोगड़ी खा रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा बोगड़ी मिलता है, आप लोग भी आइए कभी, खाइएगा, देख लीजिएगा।
और बहुत मजा लगेगा डिब्रू सुरखिया में। वो अभी हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं वो केक जोरीगोस, जो मतलब बहुत बड़ा है, 8 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। तो जाइए देखते हैं क्या होता है वहाँ पे जाके। आप लोग भी देखते रहिए वीडियो को एंड तक। हम लोगों को अब भी और 3 किलोमीटर के अंदर जाना पड़ेगा, जंगल के अंदर 3 किलोमीटर अंदर जाने के बाद ही वो बड़ा पेड़ मिलेगा हम लोगों को, और ऐसे ही पैदल जाना पड़ेगा। आप लोग देखते रहिए कितना अच्छा जगह है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर गिर गया था। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं केक जोरी। ये एशिया का सबसे बड़ा बड़ा पेड़ों में से एक है, और ये पेड़ 2 एकड़ से भी ज्यादा तक फैला हुआ है। अभी गाइस मैं ऊपर जाऊंगा और मेरा भाई मेरे को वीडियो करके दिखाएगा, आप लोग देखते रहिए। मैं ऊपर चलता हूं, अभी वो ऊपर जा रहा है। तो पेड़ के ऊपर आ गया हम लोग, यहाँ पर भी है दो दोस्त। देखिए कितना बड़ा पेड़ है ये, ऊपर आ गया, मैं ऊपर आ गया, अब बहुत ऊपर आ गया। तो गाइस यहाँ आने के बाद मेरे को कितना खुशी हो रही है आप। अरे कहना क्या चाहते हो? आप लोगों को बता नहीं सकता, तो मेरा हिंदी भी बहुत खराब है। देखो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। हाय गाइस मैं यहाँ पर हूँ, एक बहुत ऊपर पहुँच गया है ये। तो इधर पे एक है मेरा साथी, ये वो बिहारी वाला है। वो बिहार से आया है, बिहार से आया है वो। वो कभी देखा नहीं है ऐसे जंगल, ऐसे जंगल कभी देखा नहीं है। आ, वो देखने के लिए आया है वो बिहार से। मेरा मेरे को मच्छर मतलब बहुत प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना बड़ा पेड़ है, और किर बहुत उगता है यहाँ पर। तुम लोग इधर में आ जाओ खाना खाने के लिए। तो ये देखिए बहुत किस्म का और किर यहाँ पर उगता है, और इसका जोरे बहुत दूर दूर तक फैला हुआ होता है। ये पेड़ शायद 2 एकड़ में फैला हुआ है, शायद उससे भी ज़्यादा हो सकता है, मेरे को ठीक से पता नहीं है, लेकिन इतना मेरा दोस्त ये बोल रहा था कि 2 एकड़ में फैला हुआ है। ये हम लोगों के लिए खाने के लिए कुछ ला रहा है, और ये इसका नाम पुलक है। हेलो गाइस ये मैं हूँ, और ये मेरा बंदर दोस्त है। तो अब हम
ऊपर चढ़ रहा हूँ पेड़ के ऊपर से। आप लोग भी देखते रहिए आप लोगों का दोस्त कितना खतरनाक पेड़ में चढ़ सकता है। मेरा हूँ आप लोगों को समझ में आती है या नहीं आती है ये तो मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन मेरे तरफ से मैं बोल रहा हूँ और देखते रहिए आप लोग। आप लोगों के लिए कितना कोशिश करके मैं दिखाना चाहता हूँ कि पेड़ कितना बड़ा है और कितना सुंदर है और एशिया का सबसे बड़े बड़े पेड़ों में से एक है। इसका जड़े बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, इसको अंग्रेजी में बनियन ट्री भी बोलता है। और देखते रहिए आप लोग वीडियो को, स्किप मत करिए। मैं उतरने वाला हूँ, इस तरफ से उतरने वाला हूँ मैं। आप तो ये डिब्रूसिख्या नेशनल पार्क के अंदर में है और नदी के पार से 3 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है। 3 किलोमीटर अंदर आने के बाद ये पेड़ मिलता है और इसके बारे में इतना ज़्यादा तो मेरे को नहीं पता, जितना पता है ये आप लोगों को बता दिया। और इसके बारे में मैं और डिटेल्स चाहिए तो आप लोगों को गूगल में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ये देख रहे हैं आप लोग, ये रोच है ना, ये छोटा छोटा रोच भी इतना बड़ा बड़ा पेड़ बन जाएगा और कुछ साल के बाद। गाइस देखते रहिए, अब मैं उसके ऊपर जाने वाला हूँ इसके सहारे। देखिए कितना मजबूत है ये, मेरे उठने से भी नहीं टूटा और मेरा जैसा 2-3 को ये उठा सकता है। और फिर से बहुत मजबूत है ये, मेरा वजन का 2-3 को तो उठा लेगा ये शायद। तो गाइस आज बहुत घूम लिया और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। आप लोग भी आ सकते हैं तो डिब्रूसिख्या नेशनल पार्क के अंदर पड़ता है ये पेड़, डिब्रूसिख्या नेशनल पार्क के अंदर आना पड़ता है। अभी इस तरह से घूम के हम लोग घर जा रहा हूँ और घर पहुँचने में तो शाम हो जाएगा शायद। बहुत दूर तक है ये पेड़, ये क्या है, ये क्या है मेरे को तो नहीं पता, आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताना क्या है ये। ये केकजोई का ही फल लगता है, देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, तो पता नहीं है लेकिन ठीक से क्या है क्या नहीं है। हम लोग अभी जंगल के बीच में आ गया और ये डिब्रूसिख्या नेशनल पार्क 1999 में नेशनल पार्क का स्वीकृति हुआ था। तो गाइस अब हम लोग केकजोरी के चारों तरफ केकजोरी के पेड़ है और हम बीच में है और डिब्रूसिख्या नेशनल पार्क के पूरा अंदर आ गया हूँ अब हम लोग। और कितना अच्छा प्लेस है देख सकते हैं आप लोग, आप लोग आएंगे तो माइंड फ्रेश हो जाएगा ये जगह पर आने से। बहुत मेरा दोस्त पौधे को पानी दे रहा है।
तो गाइस डिब्रू सैखोवा एक रिवर आइलैंड नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड नेशनल पार्क है। और इसके बारे में तो आप लोग गूगल में सर्च करने से भी मिल जाएगा क्या क्या है। और यहाँ पर वाइल्ड हॉर्स, एक है वाइट विंगिट डक, ये वाइल्ड विंगिट डक तो मिल जाता है कहीं कहीं, लेकिन ये वाइल्ड हॉर्स जो है वो सिर्फ डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क में ही मिलता है और किसी भी नेशनल पार्क में नहीं मिलता ये। और बहुत दूर दूर से ये वाइल्ड हॉर्स देखने के लिए यहाँ पर आते हैं लोग। तो आप भी कभी आइए, हम लोगों को तो आज नहीं देखा वाइल्ड हॉर्स, लेकिन आप लोगों को दूसरी अलग वीडियो में लेकर जाएंगे और वाइल्ड हॉर्स दिखाएंगे। तो गाइस ये डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कितना सुंदर है आप लोगों को मैं बता नहीं सकता, वीडियो में कैसा आ रहा है मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन ये रियल में बहुत अच्छा है। यहाँ पर आने से माइंड फ्रेश हो जाता है, कितना अच्छा जगह है, कितना सुंदर सुंदर जगह है। ये देखिए सारे सब ग्रीन ग्रीन पेड़ ही पेड़ है और कितना सुंदर जगह है ये। और यहाँ पर आने में माइंड फ्रेश हो जाता है, जाने की मन ही नहीं करता है, कितना अच्छा लगता है यहाँ पर आने से। तो गाइस मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मैं हिंदी इतने अच्छे से नहीं बोल सकता हूँ। जो हमारे पास में है, जो आसाम में है, वो आप लोगों को दिखाने के लिए तो आसामी से बोलने से तो सिर्फ आसामी लोगों को ही पता चलेगा ना, इसलिए हिंदी में वीडियो बनाता हूँ, हिंदी में बोलकर हमारे जगह को दिखाता हूँ। बस का जगह जो आसाम में होता है, आसाम का जो चीज़ें है उसको दिखाता हूँ। आसामी से बोलने से तो सिर्फ आसामी लोगों को पता चलेगा, जो हिंदी में बोलने से तो पूरे भारत के लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ और सब लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हमारा आसाम में कितना सुंदर सुंदर जगह है और क्या क्या है। और असम का बाहर का जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग भी आइए असम को देखिए, असम को ठीक से घूमिए और यहाँ का कल्चर के बारे में जानिए, तब आप लोगों को भी पता चल जाएगा असम और असम के लोग कितना प्यारा प्यारा होता है। देर तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और साथ में जो बेल आइकन आता है उसको भी दबा कर रखना, तो मेरा सारे के सारे वीडियो मिलते रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।